Hello everyone, let's start the class. Today we shall discuss about the energy flow in ecosystem. Okay, so we have discussed the ecosystem thoroughly. So here in this class we'll discuss energy flow in ecosystem. The chemical energy of food is the main source of energy required by all living organisms. जो हमारा organisms के द्वारा जो भी गाय भैंस या तो जो humans जो भी खाते हैं उन सब में क्या होता है कि energy stored रहता है in the form of chemical energy. ठीक है, chemical energy जो भी हम लोग खाते हैं वो सारा क्या होता है कि chemical energy होता है, तो वो खाने में stored रहता है. तो ठीक है, सभी organisms के लिए ये chemical energy ही काम करती है. This energy is transmitted to different trophic levels along the food chain. अभी जो हम लोग discuss करने जा रहे हैं food chain, जो मैं खा रहा हूँ या तो कोई दूसरा खा रहा है, तो इन सब में कैसे energy हमारा transfer होता है, ये चीज हम लोग अभी discuss करेंगे. ठीक है, अभी ecosystem में energy का flow कैसे होता है वो देखते हैं थोड़ा. अभी ये तो हो गया कि खाने में energy, chemical energy stored रहता है. ठीक है, but ये जो खाने में energy आता है वो कैसे आता है वो हम discuss करेंगे by the use of photosynthesis. ठीक है, ये सबको पता है कि ये एक natural phenomena है. तो इसमें क्या होता है कि सन हमारा जो है प्राइमरी एंड मेजर सोर्स है ऑफ ऑल एनर्जी. ठीक है, अभी इसमें जो भी प्लांट्स वगैरह होता है वो कैसे काम करते हैं, वो सन का जो रेस है उनमें से जो इफेक्टिव रेडिएशन है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको यूज करता है. ठीक है, उसको यूज करके यहाँ पे उन लोगों का ये पेड़ पौधे के लिए खाना ये लोग क्या करता है, वो करता है, प्रस्तुत करता है. तो यहाँ पे जो भी इन लोगों का खाना हो गया ये अपने हिसाब से सनरेज से जो इसका रेडिएशन है इसको यूटिलाइज करके यहाँ पे उन लोगों के लिए एनर्जी प्रोडक्शन होता है. बट यहाँ पे जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे स्टोर्ड रहता है, इन सब में क्या होता है कि केमिकली स्टोर्ड रहता है. अभी इस पेड़ पौधे को जब कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं या तो कंज्यूम करते हैं तो उसको यहाँ पर इसका जो केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी था वो कन्वर्ट हो जाता है या तो वो कन्वर्जन हो जाता है. सपोज यहाँ पे अगर कोई काउने इसको खा लिया तो ये जो इसके अंदर जो केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी था वो कहाँ पे चला जाएगा, वो काउ के अंदर चला जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे होता है क्या होता है. ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये एनर्जी जनरेशन कैसे होता है. ठीक है, अभी सोलर एनर्जी है, सबको पता है कि ये सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सबका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सोलर एनर्जी. ठीक है, क्लियर है. और ये भी पता होना चाहिए कि जो 50% से भी कम जो हमारा सन का इफेक्टिव रेडिएशन है वो धरती पे आता है. ठीक है, और ये जो इफेक्टिव रेडिएशन है इसका मतलब ये है कि जितना भी रेडिएशन, ठीक है, वी मीन द रेडिएशन व्हिच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. इफेक्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जितना रेडिएशन हमारा पेड़ पौधे के द्वारा यूज किया जा सकता है या तो जाता है. ठीक है, अब वर्ड पे थोड़ा सा वो गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सन का रेस इतना 50% से भी कम हमारे धरती पे आता है जो कि हमारा प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है या तो जा सकता है. ठीक, मोस्ट ऑफ द सन्स रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज यूजुअली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस. क्या होता है कि वो स्पेस पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैट होता है. अगर ये सन से अगर कोई रेस आता है तो पहले तो हमारा एटमोसफेयर से गुजरेगा, ये देन वहां से कोई एक मतलब एनर्जी वो होता है, रेडिएशन वगैरह वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टेड बैक होता है. देन धरती के जो सर्फेस होगा उसमें आएगा, उसमें गिरेगा कोई रेस, तो वहां से भी ये क्या बोलते हैं काफी सारे रेडिएशन वो बैक स्पेस पे या तो एटमोस्फेयर पे भेज देता है. ठीक है, दिस इफेक्टिव रेडिएशन इज टर्म्ड एज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. अभी जो रेडिएशन या तो जो इफेक्टिव रेडिएशन हमारे पेड़ पौधे के लिए वो इम्पोर्टेंट है, जिससे कि ये प्लांट्स वगैरह अपना जो एनर्जी या तो जो फोटोसिंथेसिस फेनोमेना है उसको कैरी आउट कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. गॉट इट. नाउ अभी ओवरऑल वी रिसीव 40 to 50% ऑफ द एनर्जी हैविंग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. ठीक है, अभी 40 to 50% तक एनर्जी हमें अवेलेबल होता है, कहां से, सन का जितना भी रेडिएशन होता है उनमें से 40 to 50% हमें मिलता है, मतलब कि प्लांट्स को मिलता है क्या करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, बट उनमें से भी क्या होता है कि ओनली अराउंड 2 to 10%, 2 से सिर्फ 10% तक का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सिर्फ सन का 2 से 10% तक की एनर्जी जो अवेलेबल होता है उनमें से 2 से 10% लेके ये क्या करता है, वो पूरा जो प्लांट्स है जितना भी प्लांट का ऑर्गेनिज्म है वो अपना क्या करता है, फोटोसिंथेसिस जो
प्रक्रिया है उसको क्या करता है, ये कैरी आउट करता है। ठीक है, अभी दस दिस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR का मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन सपोर्ट्स द एंटायर वर्ल्ड एज द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एनर्जी अभी यहाँ से लेके ये प्रोड्यूस कर रहा है केमिकल फॉर्म में, यहाँ पे क्या होगा इस जो लीव्स वगैरह है इनमें क्या होगा केमिकली फॉर्म में एनर्जी जो होगा वो केमिकल फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक एनर्जी प्रोड्यूसर है, किसके लिए, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए ये हमारा क्या है, एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, क्यों, अभी अगर कोई इसको कंज्यूम करता है तो वो क्या करेगा, यहाँ का जो केमिकल एनर्जी होगा उसके लिए कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि उसको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर जो कि सन की रेस से एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर सर्वाइवल। अभी जितना भी हमारे धरती पे ऑर्गेनिजम्स है ये सारे क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूसर्स है इनमें इन सब के साथ क्या है, डायरेक्टली और या तो इनडायरेक्टली रिलेटेड है टू सर्वाइव, या तो फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये तो हो गया कि कैसे जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर होता है ये प्रोड्यूस कैसे होता है ये पता चल गया हम लोगों को, अभी कैसे फ्लो होता है ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें ठीक है, अभी द एनर्जी इज स्टोर्ड इन वेरियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द प्लांट्स एंड पास्ड ऑन टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स। देखिए अभी क्या होगा, जो अभी पेड़ पौधों के जो कंज्यूम कर रहा था उस जो कंज्यूम करेगा प्लांट्स वगैरह को उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, पास्ड ऑन टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द फूड चेन व्हेन द हर्बीवोर्स कंज्यूम प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स का मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स द प्लांट्स एज फूड। जो भी ऑर्गेनिज्म या तो जो भी हमारा ये प्लांट्स को खाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स, हर्ब्स को खा रहा है, ठीक है, वेजिटेशन को खा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे हर्बीवोर्स। ठीक है, और इसको हर्बीवोर्स को जो खाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जो हर्बीवोर्स को खाएगा। देन फॉलोड बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मतलब कि हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स खाता है। ठीक है, और जो कार्निवोर्स हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्यों, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो था वो हो गया हर्बीवोर्स, और जो हर्बीवोर्स को खाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली जो टर्शरी कंज्यूमर्स है वो कंज्यूम करेगा किसको, कार्निवोर्स को। जो टर्शरी होगा वो देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स था इसको कौन खाएगा, इसको खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स, देन टॉप लेवल प्रीडेटर्स। ठीक है, ये तो एपेक्स प्रीडेटर्स। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी। अभी इस तरीके से जो एक एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि एनर्जी विल अगेन डिग्रेडेड। ठीक है, क्या होता है कि अगर When tertiary consumer consume the carnivores, जब ये tertiary consumer, ये जो tertiary consumer ये secondary को खाता है, again energy का transfer होता है, होता है कि नहीं, primary से energy कहाँ पे गया, primary producer से कहाँ पे गया, primary consumer पे, primary consumer से कहाँ पे गया energy, secondary पे, तो ऐसे करके क्या हो रहा है, energy degrade, यहाँ पे degrade का मतलब ये नहीं कि energy का destroy, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि energy का यहाँ से transfer हो रहा है। ठीक है, तो thus the energy flows in फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, एक सीधा डायरेक्शन में जाता है, जिस तरफ जाता है वो सीधा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक डायरेक्शन में जाता है। मोर ओवर इन ए फूड चेन द एनर्जी फ्लो फॉलोज द 10% लॉ। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 10% लॉ क्या होता है, ये एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय 10% लॉ। इसका मतलब होता है कि जो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर, ये बोला जा रहा है। देखिए ये सब जो है ये एक क्या है हमारा ट्रॉफिक लेवल से, ये जितना भी है एक एक जो बॉक्स है यहाँ पे हम लोग एक एक ट्रॉफिक लेवल है, बट सनलाइट जो है ये एक हमारा क्या है, एनर्जी सोर्स है। देखिए ये हमारा क्या है, एनर्जी सोर्स,
एनर्जी सोर्स है। इससे लेके पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट्स वगैरह है वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, और इस एनर्जी को अगर हर्बीवर्स इसको खाते हैं तो ये इसका एनर्जी कहाँ पे, यहाँ पे चला जाता है। देन हर्बीवर्स को जो खाता है उसका एनर्जी यहाँ पे चला जाता है, एंड देन अगेन जिस कार्निवर्स को जो खाता है उसका एनर्जी यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एनर्जी फ्लो। बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है अगर प्रोड्यूसर के यहाँ पे जितना भी एनर्जी था, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 1000, ठीक है, 1000 यूनिट ऑफ एनर्जी किसके पास था, हमारा प्रोड्यूसर के पास था। बट इसमें जब ये चला जाएगा, अगर हर्बीवर्स इसको खाता है तो हर्बीवर्स को प्रोड्यूसर से कितना मिलेगा, 10% ऑफ एनर्जी इसको मिलेगा। ठीक है, और बाकी का हीट या तो किसी भी तरह से वो क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। ठीक है, वो दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। बट हर्बीवर्स को कितना मिलेगा, वो यहां से 10%, इसका 10% होगा तो कितना होगा, इसका अगर हमारा 10% होता तो कितना होगा, यहाँ पे हमें 100, मतलब 100 यूनिट ऑफ जो एनर्जी होगा वो किसको मिलेगा, हर्बीवर्स को मिलेगा। अगेन जब हर्बीवर्स को कार्निवर्स कंज्यूम करेगा तो इसमें फिर से इसका 10% जाएगा, इसका फिर से 10% चला जाएगा कहाँ पर, ऊपर। तो इसमें क्या आ जाएगा, 10% का मतलब यहाँ पे 10 यूनिट ऑफ एनर्जी इसमें आ जाएगा, कार्निवर्स पे आ जाएगा। अगेन जब इस कार्निवर्स को अगर कोई कंज्यूम करता है टॉप कार्निवर्स ने, तो तब इसमें फिर से इसका 10% चला जाएगा, इसका 10% का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ आपका एनर्जी यहाँ तक आएगा। तो ये जो हमारा एनर्जी का फ्लो है, ये जो 10%, इसको हम लोग बोलेंगे 10% लॉ। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर। ठीक है, ये 10% एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एक स्तर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ट्रॉफिक लेवल, TROPHIC, ट्रॉफिक लेवल। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, 10% होता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 10% लॉब होते हैं। एंड दिस इज क्लियरली एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये हमारा इसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लें। ठीक है, अभी देखिए ट्रॉफिक लेवल जो एक नया टर्म आएगा, इसका मतलब क्या होता है कि द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स इन द इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स क्या होता है कि प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो गया, प्रोड्यूसर का मतलब जो हमारा प्लांट्स वगैरह है वो जो सन के एनर्जी से ये अपना केमिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड देन कंज्यूमर्स मतलब जो इन सबको कंज्यूम करता है, जो इन सबको खाते हैं या तो इसको कंज्यूम करते हैं। इन द इकोसिस्टम कैन बी अरेंज्ड इनटू डिफरेंट फीडिंग ग्रुप्स। अभी फीडिंग ग्रुप्स का मतलब कि जो खाने का चीज है, ठीक है, नोन एज ट्रॉफिक लेवल और द फीडिंग लेवल। अभी मैं समझाता हूँ, देखिए इसको अगर प्रोड्यूसर, देखिए यहाँ पे सारा जितना भी प्लांट्स वगैरह आएगा वो इसमें आएगा। ठीक है, प्लांट्स वगैरह हो गया, जो भी पेड़ पौधे हो गए इसमें आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ट्रॉफिक लेवल है वो किसका, प्रोड्यूसर का एक ट्रॉफिक लेवल है। हर्बीवर्स मतलब यहाँ पे अगर गाय हो गया, ये गोट हो गया, दूसरा भैंस हो गया, ये सारा क्या हुआ, ये हर्बीवर्स को खाता है। ठीक है, इसको कंज्यूम करता है। तो ये जितना भी यहाँ पे इस टाइप का हर्बीवर्स को खाने का, सॉरी प्रोड्यूसर को खाने का जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवर्स का एक ट्रॉफिक लेवल। सिमिलरली जितना भी हर्बीवर्स खाने वाले है वो यहाँ पे हम लोग कार्निवर्स पे डालेंगे, एंड जितना भी कार्निवर्स को खाएगा उसको हम लोग कहाँ पे डालेंगे, टॉप कार्निवर्स। सपोज यहाँ पे अगर कोई गोट है, ठीक है गोट है, तो यहाँ पे अगर लायन है यहाँ पे, तो लायन इसको खाएगा, सॉरी कार्निवर्स पे गोट नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे अगर फॉक्स है, ठीक है, फॉक्स गोट को खा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर गोट है तो इसको फॉक्स ने खाया, देन जितना भी यहाँ पे इस तरह का होगा उसको हम लोग कार्निवर्स पे डालेंगे, एंड टॉप कार्निवर्स पे कौन आएगा, लायन फॉक्स को खा सकता है, तो इसको हमारा ये लायन को टॉप कार्निवर्स पे डालेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो एनर्जी का फ्लो होता है ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, द प्रोड्यूसर प्लांट्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अभी जो ये प्रोड्यूसर वगैरह है, ये प्लांट्स वगैरह, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। ठीक है, और एंड देन ऊपर जब जाएगा इसको हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ या तो आगे भी जा सकता है। ठीक है, हर्बीवर्स को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, और देन प्राइमरी कार्निवर्स को हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, एंड देन टॉप कार्निवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलेंगे, इसको हम लोग ये आपका इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स। ओके,